सो आज मैं दिखाऊंगा आपको हाउ टू सेल योर शेयर यूजिंग टी पिन। सो मेरे पास टी पिन है और ये मेरे सेंट्रल बैंक का एक शेयर है, तो मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। एक एक ही है मेरे पास, तो एक एंड मार्केट प्राइस पे। एंड मेरा टी पिन जो है वो मुझे मिला था ईमेल के द्वारा, तो 42 32 54 ये मेरा टी पिन है। आप अगर देख सकते हो तो बिल्कुल ये मुझे ईमेल के द्वारा मिला था जब मैंने अपना डीमेट अकाउंट खोला था। तो मैं इसको डालने वाला हूँ कहाँ पे, या यू विल रिडायरेक्ट टू सी डी एस एल वेबसाइट टू वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन। यूज़ टी पिन टू सेंड और ऑन ओ एस एम एस एंड ई मेल बाई सी डी एस एल। तो मैं इसको फटाक से प्रोसीड करता हूँ। तो मुझे अपना टी पिन डालना होगा यहाँ पे गाइज। मेरा है 42 32 54 है। सो 42 32 54 मैं डाल देता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ। मुझे ओ टी पी आएगा गाइज। सेल करने का ये प्रोसेस मैं पहले आपको नहीं दिखा सका था, तो अभी देखते हैं। ओ टी पी आना है, ओ टी पी आ गया गाइज। सो 7 8 7 3 4 7 समथिंग यही था, 7 8 7 3 4 7। यस 7 8 7 3 4 7 है गाइज। एंड वेरीफाई, ओके सक्सेस हो गया गाइज, टी पिन वेरीफाइड। राइट, तो अभी मैं सेल कर सकता हूँ। या गाइस मेरा जो है सेंट्रल बैंक का है वो सेल हो चुका है। एक ही शेयर था गाइस और ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा था, महीनों तक पड़ा हुआ था, कुछ फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैं इसको सेल कर दिया गाइस। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टी पिन कैसे यूज़ करते हैं सेलिंग, अपने शेयर को सेल करते टाइम, ये वीडियो उसी के बारे में था। तो थैंक यू गाइस।